अरे भाई, डर्टी फेलो, हेलो हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया एकदम, मतलब बढ़िया नॉर्थ बढ़िया, नॉर्थ बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं, बट काम चला रहे हैं। काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है भाई। यहाँ पे आज दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो गई। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई किसी ने कब्र खोदी है कोई, और वो खुदनी नहीं चाहिए थी कब्र। इतनी ओमिनस ठंड है ना, ये भूतिया ठंड है भाई। सही में हड्डी भाई, हड्डियां सीरियसली कांप रही है। सीरियस भाई, आई डोंट रिमेम्बर। मैं 31 तारीख का, 31 तारीख, मैं 31 साल का हो जाऊंगा 3 फरवरी को, बाय द वे मेरा बर्थडे गाइस, जो भी देख रहे हैं आने वाला है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। 31 साल में, मतलब मान ले 25-26 साल से जो मैंने होश संभाला, जब से सकरात पे मैंने इतनी ठंड नहीं देखी है भाई। मतलब मकर संक्रांति खत्म होती है 14-15 को, तो वो एक उत्तरायण, मकर संक्रांति, आप जो भी आपके एरिया में, मतलब वो सिग्निफाइज कि अब गर्मी तो है थोड़ी स्टार्ट हो थोड़ा, रही है। हाँ, मतलब थोड़ा हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ, जो सूर्य की किरणें हैं, दे आर यू नो कमिंग डायरेक्टली, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ इसीलिए कुछ सोलर ऐसा। कैलेंडर हाँ के, हाँ इसलिए हाँ सोलर कैलेंडर यूज होता है इसमें, जब भी अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं। डेट फिक्स है इसमें, आपको मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता हर बार मकर संक्रांति। इतनी ठंड भाई, 8 डिग्री टेम्परेचर, आर यू पता क्रेजी? नहीं भाई, कुछ तो और फिर गड़बड़ है चेल्सी कि उसके ऊपर ऐसा गेम खेलती है तो डबल ठंड लगती है लग फिर ठंड, जाती कि है। अरे ठंड लग जाती है। भाई, और चेल्सी वर्सेस मैन सिटी हैज फिनिश्ड 1-0। मैन सिटी जीत गई, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अनहैपनिंग गेम था, बट अ गेम वेयर थिंग्स कैन बी लर्न्ड फ्रॉम फॉर बोथ टीम्स। कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखने को मिली, सिटी के पर्सपेक्टिव से उतनी नहीं, बट चेल्सी तो, क्योंकि टूखेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिटी, में, आपने हाँ सुना हाँ वैसे, बोलो। आपने आपने पढ़ी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट को मैच, पोस्ट मैच? हाँ पोस्ट मैच मैंने इंटरव्यू सुना था उसका, प्रेसर नहीं पड़ पाया अभी मैं, क्योंकि वो रिव्यू वगैरह अपलोड किया, फिर डिनर किया तो ना। इंटरव्यू में आप कैसे, मतलब इंटरव्यू को क्या लिया आपने, क्या रिएक्शन था? डेफिनेटली मतलब प्लेयर से तो कुछ है नहीं, और ही एक्सपेक्ट्स मोर फ्रॉम दीज प्लेयर्स। जैसे वही लुकाकू लुकाकू के लिए उसने कहा ना बोल। कि ही समटाइम्स ही नीड्स टू मेक हिज ओन सर्विस, ही लॉस्ट द बॉल टू चीपली। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकाकू, ठीक है आप मैनेजर को देख, अपन अभी डिटेल में, आई थिंक आज के पॉडकास्ट का मुद्दा यही है कि इस मैच का अपन को घुस के विश्लेषण करना है टैक्टिकल, जो मैंने अभी अपने रिव्यू में नहीं बोला, बिकॉज देयर वाज नॉट मच दैट आई कुड स्पीक फ्रॉम चेल्सीज पर्सपेक्टिव। बिकॉज अगर चेल्सी खेलेगी तो मैं कुछ बोलूंगा हाँ कि हाँ यार वही ये गलत हो वही। गया। मतलब कुछ तेरा क्वेश्चन है, शुरू से शुरू करूंगा। आप शुरू करो। देख तो देख क्या है, दो चीजें थी। पहला, अगर गेम याद हो जो स्टैमफर्ड ब्रिज में हुआ था, उसमें कोवाचिच, जॉर्जिनियो और कांटे तीनों खेले थे, आगे वर्नर और लुकाकू खेले थे, जो आइसोलेट हो गए क्योंकि बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो पा रहा था, सेम सिटी का प्रेस बाईपास नहीं हो रहा था, मिडफील्ड उनकी हम नहीं तोड़ पा रहे थे, तो तब वो माउंट बैलेंस इंजर्ड आउट। था। हाँ, माउंट इंजर्ड था, हाँ माउंट इंजर्ड था, तो वहां पर ये हुआ कि चल टैक्टिकली मिसरीड कर लिया टुखल ने, और कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव चला गया, ज्यादा ही पैक कर दी मिडफील्ड। उसमें भी तू देखेगा तो कुछ इसी तरीके का मैच था, सिटी हावी थी, इतनी हावी नहीं थी जितनी आज थी, बट एक वो गेब्रियल हेसूस का डिफ्लेक्शन से गोल, एंड देन सिटी वन द गेम 1-0। कोई कोई उसमें दिक्कत नहीं, उसमें भी सिटी वर बाय फार द बेटर टीम, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आज मुझे एक चीज देख के अच्छी लगी कि कोवाचिच और कांटे को खिलाया, तो इट वॉज अ प्लॉय कि दे आर गोइंग एट इट, एडवेंचरस हो रही है मिडफील्ड, प्रेस रेजिस्टेंट है, कहीं ना कहीं वही टैक्टिक जो आर्सेनल ने यूज करी, पीछे खुलेगी, हाफ स्पेसेस खुलेंगे, जो एक स्क्रीन है सेंटर बैक्स के सामने वो नहीं रहेगी, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला यहाँ पर रहता है कि जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब यू विल हैव अ चांस टू यू नो प्ले आउट टू योर वाइड नंबर एट्स, जो हमने दो देखे आज, पुलिसिक और ज़िएक, हु वर लिटरली इनविजिबल, लिटरली लग ही गेम इनविजिबल। भाई। हाँ मतलब ज़िएक ने तो फिर भी हगा जब उसके पास बॉल आई, बोल दी। पुलिसिक तो हाँ वॉज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द गेम, ठीक है। तो ये था कि अगर कुछ नहीं करेगा तो एटलीस्ट वाइड प्लेयर्स को हम देंगे बॉल, क्रॉस एंड इंशाल्लाह कुछ कर दे, मतलब इट वुड बी बेटर फॉर अ स्ट्राइकर दैट ही वुड गेट मोर डिलीवरीज। बैकफायर कर गया बुरी तरह से, क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ दोज टू मिडफील्डर्स हैड अ टेरिबल गेम, कांटे हैड अ टेरिबल गेम, कोवाचिच हैड अ टेरिबल गेम, कंपोजर की कमी है मिडफील्ड में, एंड स्टिल पीपल इफ आस्क मी व्हाट जॉर्जिनियो ब्रिंग्स टू द टीम, ही ब्रिंग्स कंपोजर टू द टीम।
कोई आ जाएगा ना कि बैलेंडोर की बात करने भी। हाँ बैलेंडोर की बात करने है कि हाँ जॉर्जिनियो कहाँ है, बैलेंडोर जिता रहे थे ना तुम तो उनको, तो मतलब ठीक है लोगों को फ्लैशी ब्रिलियंस पसंद है, दे लाइक प्लेयर्स हु हैव यू नो खतरनाक स्टैट्स, इतने गोल्स और इतने असिस्ट तो मिनिमम आपको मारने चाहिए, यू शुड ड्रिबल पास सिक्स प्लेयर्स तब जाके आपको मैं प्लेयर मानूंगा। पीपल डोंट यू नो रियलाइज और डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस इन द मिडफील्ड। बैलेंस है मेरा मतलब है अगर मैं सारे, डू यू थिंक पीएसजी'स मिडफील्ड इज बैलेंस्ड? नहीं है। हाँ जब तक सब फिट नहीं है वैरायटी वगैरह वो सब नहीं है ना, तब तक मतलब वैरायटी ब्रिंग्स बैलेंस राइट, मतलब उसके अलावा भी उनके पास प्लेयर है, बट देयर इज अ प्लेयर हु ब्रिंग्स बैलेंस, हु कमांड्स द गेम, हु डिक्टेट्स द पेस ऑफ प्ले, वो सारी चीजें। बैलेंस आउट हो गया, बैलेंस आउट मतलब ऐसे अगर मैं कहता ना कि हम मिडफील्ड में आगे जा रहे थे और पीछे स्पेसेस छोड़ रहे थे, उस वजह से हमारा डिफेंस वल्नरेबल हो रहा था भाई, हम बॉल ही आगे नहीं ले जा पा रहे थे हाफ लाइन से। हाँ हाफ से आगे गई नहीं, फर्स्ट हाफ में तो चेल्सी मुझे लगा ही नहीं कि पूरा ब्लॉक एक बार उनके हाफ में गया, कब एक बार भी नहीं गया। हम हाफ लाइन से ही बॉल आगे नहीं ले जा पाए क्योंकि दो कारण थे उसके। देयर वर फ्लैशेस जब हमने उनका प्रेस ब्रेक किया और मिडफील्ड बाईपास किया इस तरीके के दो तीन ओकेजन ही थे, और वो क्यों हुआ क्योंकि कंपोजर दिखाया बॉल पे, एक एक्स्ट्रा टच ले लिया, थोड़ा देखा कि बंदा क्या है, क्विक लिंकअप हुआ और निकला, मतलब वो दिखाया कि इतना कोई हार्ड नहीं था उनका प्रेस ब्रेक करना। यहाँ पर जब उसके अलावा बॉल मिली है या तो होपफुल बॉल्स पिंग हो रही हैं या बिना देखे, या तो इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं बॉल पे कि तीन प्लेयर आके चढ़ जाते हैं आपको डिस्पोजेस कर रहे हैं, व्हेन यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो व्हेन यू डोंट डू द बेसिक्स राइट इन अ फुटबॉल गेम अगेंस्ट आर्ग्यूएबली द बेस्ट टीम इन यूरोप दिस सीजन, आप खत्म हो जाओगे भाई, कोई कोई है नहीं। और इट्स नॉट लाइक यू आर द मोस्ट क्लिनिकल टीम, आई थिंक अगर तू देखेगा तो एक्स जी वर्सेस गोल्स का चेल्सी वुड बी इन बॉटम हाफ ऑफ द लीग, मेरे को ऐसा लगता है, माइट बी इन द बॉटम। एक्स जी वर्सेस गोल्स में टॉप फोर में तो नहीं होगी चेल्सी एज फार एज आई एम कंसर्न, तो वो एक कंसर्न तो है ही ऑलरेडी दैट वी आर नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो ऐसा तो था नहीं कि तीन हाफ चांसेस मिले और तीनों ही हमने कन्वर्ट कर दिया और सिटी फिर पूरा मतलब करती रही कोशिश और कुछ नहीं कर, चेज कर रही है गेम, तो ऐसा तो था नहीं। तो सबसे गंदी चीज ये लगी मुझे कि पहला गोल हमने जब खा लिया ना, आई थिंक इट वॉज इन 65th, 66th, में उसके 20 मिनट बाद तक ऐसा लग रहा था कि सिटी को इक्वलाइजर चाहिए। मैनेजर को चल मैं ये बोलूंगा कि माउंट को नहीं खिलाना मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज हु वॉज देयर टू ब्रिंग दैट एनर्जी एंड हु वॉज देयर टू कुड यू नो टॉप से प्रेस करे थोड़ा सा, ठीक है वो भी चल ठीक है, एक बार को मान लिया कि वर्क कर जाता शायद पुलिसिक और जीएफ को खिलाना लुकाकू के पीछे, बिकॉज टूकल को चाहिए था कि थोड़े निम्बल फुटवर्क वाले प्लेयर्स ज्यादा चाहिए थे उसको, रादर देन यू नो समवन हु प्रोवाइड्स दैट वर्क रेट, तो एक तो वो चीज थी। दूसरी चीज, डू यू थिंक दैट चेल्सी गॉट टैक्टिकली आउटप्लेड, या फिर तेरा भी मेरा वाला व्यू है कि बेसिक्स ही जब गलत करे तो टैक्टिक्स की तो बात ही नहीं आती है, मतलब क्योंकि देयर वर साइंस कि चेल्सी कुड डू वेल इन दिस गेम, शायद बहुत छोटे साइंस हो बट थे। जब लाइक बिफोर दिस मैच मेरा था कि चेल्सी विल गो बैक टू अ बैक थ्री और कांटे कोवाचिच खेलेंगे, एक पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था बिकॉज आई थॉट कि दिस इज व्हाट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट, मेरे को यही लगा था सबसे ज्यादा मेक सेंस करेगा, टुकल ने भी कहीं ना कहीं वो करा और फिर वो हाई एट्स खिला दिया पुलिसिच और ज़िएक। वन थिंग दैट हैपेंड रॉन्ग फॉर चेल्सी एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, जो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, फर्स्ट हाफ तो मैंने बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा, तो ये था कि ऑब्वियसली पर्पस ये था टू लाइक हिंडर देयर प्रोग्रेशन, मुश्किल करो मैन सिटी को कि वो इतनी आसानी से बॉल ना रख पाए। व्हाट हैपेंड कि जब पुलिसिक प्रेस कर रहा था ना, वो ढंग से प्रेस नहीं किया, मान लो पुलिसिक या जियत जो भी थे, तो
तो ऐसा हो रहा था कांसेलो फ्री हो रहा था एकदम स्पेस में, जबकि उनको कर्व करना चाहिए अपना रन, समझ रहे हो? इफ ही वांट्स टू प्रेस लपोर्ट वहां पे, वो ऐसे कर्व करके आएगा तब कांसेलो का एंगल ब्लॉक होएगा, पर अगर वो सीधा सीधा चला जाएगा तो कांसेलो को स्पेस में पास, और कांसेलो तो कर ही रहा था, पूरे मौज में था बेसिकली मैच में। और एक जो दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कि लुकाकू का डजंट मेक सेंस एज अ होल्ड अप वाला प्लेयर, टारगेट मैन, हाँ टारगेट मैन, क्योंकि ये कहीं ना अब लग रहा है ना वापस से कि ये यूनाइटेड वाले लुकाकू है, स्लगिश, टचेस उतने क्लिनिकल नहीं है, तो हो सकता है उसकी प्राइमरीली मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है वो रन करना है, लाइक रन चैनल रन करेगा, स्पेस में रन चैनल्स में इन बिहाइंड रन्स निकालेगा, वो बेटर है। और आपको एस्टन विला वाला याद है जब लुकाकू बहुत अच्छा था, लाइक जब सब्स्टिट्यूट क्योंकि चैनल्स में रन बना रहा था और वो खेल भी वही रहा था लेफ्ट हाफ स्पेस वाले चैनल पे, वो जो पेनल्टी जीती थी वो पूरी वहीं से वो रन लेके थी। आई थिंक उसका रोल अगर होता ऐसा, क्योंकि कांसेलो थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं और स्पेस भी देता है, तो ही कुड हैव बीन देयर और फिर शायद हावर्ड्स वगैरह, बट ऑब्वियसली टूकल को नहीं बोल सकते क्योंकि वी ऑलवेज नो लेस देन व्हाट द मैनेजर डज, उसके पास ट्रेनिंग सेशन है वगैरह, बोलना मुश्किल है। और भाई टूकल तो गुस्से में लग रहा था भाई, वो तो चिल्ला रहा था पागलों की तरह फर्स्ट हाफ में, तो आई रिमेम्बर एक छोटे छोटे पासेस गलत हो रहे थे उस पे और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग भी गड़बड़ थी। केपा को वैसे जो गोल खाया उसमें थोड़ा सस्पेक्ट पोजीशनिंग नहीं थी। मैं बोल रहा था, मतलब मेरे साथ जो वॉच अलोंग में जितनी जनता थी, जितने मेरे पैनलिस्ट थे, सब कह रहे थे कि अनस्टॉपेबल था। मुझे लगा यार वो बिल्कुल ही बीच में खड़ा था यार, नियर पोस्ट में उसने नियर, और जबकि नियर पोस्ट मार ही नहीं सकता था डिब्रेन उधर से, एंगल ही उसका वो जाना वहीं था, हाँ वो हमेशा ही वहीं मार रहा था। बट मैं केपा को ब्लेम नहीं करूंगा यार, आई थिंक ही हैड अ फैंटास्टिक गेम, वो पहले भी ग्रीलिश वाली सेव तो भाई वो तो गोल ही था, एंड ही हैज परफॉर्मड वेल दिस सीजन, जब उसको चांस मिला एटलीस्ट, वैसा तो नहीं जैसे उसकी सॉर्ट ऑफ इमेज बन गई थी। और अगेन विनायक मैं तेरे को बात बताऊं, अगेन इट कम्स डाउन टू कि कुछ चीजें फाइन ट्यून करनी है, ज्यादा कुछ खराब नहीं है चेल्सी, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दिस, इट्स लाइक कि आप रिजल्ट्स देख लो, यू सी द गैप दैट इज देयर बिटवीन चेल्सी एंड सिटी एंड यू कैन सी द गल्फ इज देयर, इट ओनली टेक्स लाइक, हां लोगों ने चैंपियंस लीग में बहुत अलग चेल्सी दिखेगी तेरे को, मैं बता रहा हूं। एक तो उधर ये भी होगा ना, उधर गेम्स मोर ओपन होंगे, एक ही मतलब दो मैच नॉकआउट मैचेस होते हैं, दो दो लेग, तो उसमें गेम नेचुरली थोड़े ओपन होते हैं। अनलेस कौन सी टीम फेस कर रहे हो आप, तो लिल कर रहे हो, वैसे लिल भी इतनी आसान नहीं है, नहीं आसान नहीं है, आसान तो नहीं है। द थिंग इज कि लोग इस रिजल्ट को भी ओवर एनालाइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्लेइंग द बेस्ट टीम इन यूरोप, ठीक है, सेकेंडली दैट टीम इज लाइक द बेस्ट एट कीपिंग द बॉल, लाइक कहीं भी किसी भी एंगल्स पे, विंग पे रखनी रख लेंगे, मिडफील्ड में रख लेंगे, तुम्हें पिन, इफ भाई चेल्सी को पिन कर दिया था, दे मेड चेल्सी लुक लाइक अ लो ब्लॉक, विच इज बिग डील भाई, चेल्सी टेरिटरी नहीं देती आसानी से, रूडिगर इतना चढ़ता है, इतना अटैक, इतना एग्रेसिव खेलती है जितना चेल्सी, यू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन टेरिटरी, आराम से टेरिटरी कर रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, अगेन फंटास्टिक प्रॉपर गेम्स, ये दो बंदे तो भाई मुझे लगता है इन्होंने, Rodri especially I think has somewhat changed a lot of Rodri is on his way to becoming the next Busquets. It's a bold statement, it's a very bold statement, but I think he will be right up there agar aise hi khelta hai, ye to obviously kehna mushkil hai ki Busquets hoga nahi hoga, but he's crazy good, like he is the best CDM in the world, at least up there with anybody you can think of, to wo to wo Declan Rice bhi thoda shant ho gaya pichle ek mahine se, और पर पता है क्या, रॉड्री और ग्रीलिश की एक बात है, लाइक टॉकिंग अबाउट सिटीज पर्सपेक्टिव, लोगों को लगता है ग्रीलिश का गेम बेकार था, मेरे हिसाब से ग्रीलिश वाज फैंटास्टिक फर्स्ट हाफ, ग्रीलिश को जो काम दिया था वो कर रहा था, वो एस्पिलिक्वेटा को नचाना था, उसको नचा रहा था एग्जैक्टली, और आप देख फर्स्ट हाफ में आपको याद होगा जितने भी रन्स इन बिहाइंड थे, जितना भी आउटलेट वाला काम था ना सिटी का, ग्रिलिश वॉज द बेस्ट आउटलेट था सिटी का, बॉल्स कांसेलो वॉज फाइंडिंग हिम और उसके रन अच्छे थे, मूवमेंट शार्प थी, आई थॉट ही वॉज वेरी गुड, ऑब्वियसली गोल कर सकता था, बट ओवरऑल तो आई डोंट थिंक पेप कहीं भी परेशान होगा ग्रिलिश की परफॉर्मेंसेस से। स्टर्लिंग भाई, स्टर्लिंग बैक, स्टर्लिंग इज बैक,
है ना, सही में भाई कुछ तो हो चेंज हुआ इस सीजन, उसकी इरिटेटिंग हरकतें नहीं जाएंगी हर टच पे, डाइव कर देना बॉक्स के अंदर, बट भाई क्रेजी डेंजरस प्लेयर है ना, बहुत वो हो गया वो, मतलब पहले एक देयर वाज अ प्रेडिक्टेबिलिटी टू स्टर्लिंग्स गेम कि अब ये यहां पे एक स्टेप ओवर मार के अंदर काटेगा, फिर या तो पास देगा या शूट मारेगा गिर जाएगा अब वो नहीं है भाई, अब वो अपोनेंट को देख के अपना नेक्स्ट मूव कर रहा है, और अलोंजो तो खैर इट्स नॉट अ गुड, पर पूरा सीजन ही मेरे को ऐसे लगता है स्टर्लिंग, हां बट देयर आर नॉट मेनी फुलबैक्स, हां बट देयर आर नॉट मेनी फुलबैक्स हु कैन यू नो कीप अप, हां कीप अप, ये तो इतना फास्ट हुआ, और चेल्सी की बैक लाइन भी डिडंट हैड देयर बेस्ट गेम, जिस पे सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट रहती हैं कहीं ना कहीं, काफी सारी चीजें थी, बट लाइक यू कैन नॉट ओवर एनालाइज क्योंकि वन निल ही आ रहे, दे हैड देयर मोमेंट्स, सिचुएशन थी, और गेम कहीं ना कहीं हो सकता था अलग अगर चेल्सी कर जाती वो काम, और टूकेल को तो क्या ही बोलोगे भाई, 3 साल तो दो उसे, और मतलब टूकेल को बोलना इज लाइक पागल बन गई ना गई, इवन फ्रॉम चेल्सी से। देखो मैं अगेन वही रिएक्शनरी फैंस पे आ रहा हूँ, अभी मेरे ही जो मैंने रिव्यू डाला उसपे बहुत लोग कह रहे हैं टूकेल शुड लीव एंड टूकेल इज नॉट द राइट मैन, वो चेल्सी फैंस ही होंगे आई थिंक, हाँ वो ये भी हो सकता है चेल्सी फैंस नहीं हो, जस्ट राइल अप करने मजे लेने के लिए लिख रहा हूँ, मजे लेने के लिए लिख रहा हूँ, बट नो चेल्सी मैन इज इन हिज राइट फ्रेम ऑफ माइंड वुड से अभी कि टूकेल इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मैं वही कह रहा हूँ कि सैड पार्ट इज कि छोटी छोटी चीजें गलत हो रही हैं, इस वजह से मतलब जो है सीजन खत्म हो गया जो आसानी से करेक्ट की जा सकती थी, मतलब ऐसा बहुत गलत नहीं किया हमने, या हम टैक्टिकली बहुत नाइव हैं, या हमारा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, या हम आगे जाते हैं, तो मतलब यार एक पता ही अब यही है, जब आपका बहुत ज्यादा पर्सनल डिपेंडेंट होता है ना सिस्टम, तो व्हाट मतलब कीप्स यू फ्रॉम यू नो परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इज कि इफ दोस सेट्स ऑफ प्लेयर्स ऑन व्हिच योर सिस्टम इज बेस्ड अपॉन are not available, तो तुम गए, वही हो गया ना चेल्सी के साथ, वो हो गया इस बार, मतलब ये टीम अब यूवेंटस को 4-0 नहीं हरा पाई क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, बेन चिलवेल जो वर्क रेट लेके आता था, चाहे वो अटैकिंग कंट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, बेन चिलवेल की वजह से रूडिगर को मिलती थी वो क्या बोलते हैं फ्रीडम आगे जाने की, बेन चिलवेल की साइड ही तो रूडिगर खेलता है, लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट विंग बैक, रीस जेम्स पागल हो रखा था, तो चालोबा अगर तू प्रोग्रेसिव पासिस देखे क्या बोलेंगे अपोनेंट हाफ में, तो रूडिगर और चालोबा से बहुत ज्यादा आए थे, मतलब मोस्ट क्रिएटिव प्रोग्रेसर्स फोर्स, हाँ प्रोग्रेसर्स ऑफ बॉल, और मिडफील्ड का काम होता था स्क्रीन करना, जिसमें जॉर्जिनियो स्क्रीन कर रहा है और कांटे इज डूइंग हिज थिंग, परफेक्ट हार्मनी में चल रहा है, मतलब एक प्रिसीजन होता है ना, एक परफेक्टली मतलब क्लॉकवर्क सिंफनी होती है ना, क्लॉकवर्क की तरह चल रही थी ये चीज, बट जहां पे ये चीज करने वाले प्लेयर नहीं ना आपके पास, यू गेट इनटू ट्रबल, चेल्सी के साथ वो हुआ है, सिटी ऑन द अदर हैंड is a system driven side, it's not a personnel driven system, aur upar se unki squad is like puri unhone planning bhi to itni hai squad ko banane mein, is squad ko banane mein utni planning nahi, this is more of a makeshift type ki aa gaye acche players le liye sign kar liye paise laga diye, ab bench matlab they are replacing Chilwell with Alonso who is not a similar player in any way, aur matlab Azpilicueta तो I thought कि भाई ये सही सही खेला, like he had a decent जो भी कहोगे जो उससे expected था I guess उस sense में, पर obviously यार Chelsea कहीं ना कहीं bummer season of like थोड़ा वो तो हो गया, missed opportunity और कितने points up हो गए अब, 11 थे पहले, 11 ही अभी नहीं 10 थे, 13 हो गए अब, 13 हो गए, crazy boy 13 points up, एक और प्रीमियर लीग टाइटल, पांचवा नहीं चौथा इन फिफ्थ ईयर है ना, यही है क्रेज़ी सिटी फार्मर्स लीग बना दी भाई, और इतना गैप है इतनी कंसिस्टेंसी से जैसा वो खेल रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ
put our hand fingers कौन रोकेगा, who do you think although की कौन who can stop City speaking long term obviously stop इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करेंगे नहीं obviously they मतलब वो तो रह गई उनका मतलब who will give them a fight for the title सवाल ये जीत सकता है कोई और इनके अलावा भी at the Chelsea और Liverpool ही लग रहा है अभी तो Chelsea और Liverpool ही लग रहा है अभी तो मतलब Liverpool लग रहा है आपको if they keep hold of Salah Salah get a midfield हाँ get a good midfielder और एक अच्छा striker तो I think या जोटा मेरे को वाइड ज्यादा लीथल लगता है पता है मतलब जोटा इफ ही प्लेज वाइड ना ही इज मोर लीथल माने इज नॉट दैट माने अब जोटा उससे ज्यादा लीथल है इन माय ओपिनियन हां पहले जैसा तो नहीं रहा ऑब्वियसली माने अब माने की भी एज ऐसी है ना 30-29 कुछ ऐसा हां मतलब जैसे साला और माने एक दूसरे को वो करते थे ना कॉम्पिटिशन देते थे कि तू इधर भी दोनों इतने गोल्स मार रहे थे हां तो वो अब साला जिस लेवल पे साला इज इन मेसीएस्ट फॉर्म राइट नाउ ठीक है तो वो माने नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते वो उस लेवल को रीच करे माने ने अपनी सीलिंग हिट कर दी है वो वापस नीचे आ रहा है साला उसको तोड़ के ऊपर निकल गया अभी अब पता नहीं वो तो कोई कैसे कैसे रुकेगा वो तो आई थिंक दे नीड अ गुड स्ट्राइकर जोटा साला एंड अ गुड स्ट्राइकर आई थिंक इज अ गुड फ्रंट थ्री विद माने प्लेइंग इन रोटेशन कोई दिक्कत नहीं है एक अच्छा मिडफील्डर बिकॉज हेंडरसन भाई मतलब लोग जितना मर्जी बोले और ऊपर से आई थिंक कहीं ना कहीं आई डोंट कंसीडर हेंडरसन वर्ल्ड क्लास आई एम सॉरी ही इज अबव एवरेज ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास वुड बी अ बिग स्ट्रेच अच्छा लिवरपूल का यही है लिवरपूल की एक बात बताता हूं तेरे को अगर तू लिवरपूल की पिछली 20 साल की टीम बनाएगा बेस्ट 11 20 साल की या 15 साल की 15 साल ले ले चल 15 साल पकड़ ले लिवरपूल की पिछली 15 साल की बेस्ट टीम बनाते हैं तो वो उनकी पूरी टीम पता है क्या होगी 1920 जो जीती है ना प्रीमियर लीग वो होगी उसमें बस दो चेंज आएंगे दो चार स्ट्राइकर दो चेंज आएंगे सर सुआरेज आ जाएगा स्ट्राइकर जेरार्ड आ जाएगा हेंडरसन की जगह बस बाकी उनकी पूरी टीम सेम रहेगी एक जाबी अलोंसो तो कह सकता है वैनाल्डम की जगह आ जाए कुटिनियो भी अच्छा था तब जब वो कौन सा सीजन ना मतलब उस लेवल पे नहीं मैं डालूंगा कुटिन जाबी अलोंसो जेरार्ड वैनाल्डम ऑब्वियसली और बाकी माने इनमें से सुआरेज हां इनमें से दो लेने हैं तेरे को तो तू इन्हीं को ही लेगा तो वही वाली बात है तो मतलब वो ये कैरेगर आ जाएगा एक सेंटर बैक ले चल मैटिप की जगह और हां मैटिप की जगह हां बस और तो बस ये तो है ये तो है ये तो हां तो जो भी लिवरपूल की टीम है उस इसी टीम से कर सकते हैं यार वो या तो फिर वो मुश्किल है ना लाइक आइदर या तो वो उनकी रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द इयर्स हमेशा इतनी बैंग ऑन रहे दैट दे डोंट मिस एनीवन जो कि मुश्किल है क्योंकि मारियो बालोटेली और लैम्बर्ट भी साइन होते हैं हां वो तो ऑब्वियसली ऐसा कोई 100% तो तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते फुटबॉल में कभी भी या तो वो रहे क्योंकि वो इतना स्पेंड नहीं करते जितना चेल्सी कर सकती है सिटी कर सकती है और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन भाई अब तो आर्सेनल भी स्पेंड कर रही है एटलीस्ट एम्बिशंस तो शो कर रही है तो आर्सेनल को भाई हैट्स ऑफ टू आर्टेटा एंड आर्सेनल भाई फाइनली क्या है कितनी बार मैंने एडमिट कर लिया अरे नहीं मैं तो ऐसे कह रहा हूं कि पोजीशनल प्ले पॉडकास्ट का प्रॉप विंस हाँ, तो भाई उन्होंने सिटी को डोमिनेट कर दिया था यार सिटी को डोमिनेट कर दिया तो उन्होंने तो दिस गोज ऑन टू शो कि क्या कर सकते हैं मतलब आर्सेनल इज द यंगेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग दिस इज द यंगेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग बहुत 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 सही डायरेक्शन साका इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट वाइट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग लाइक बार नन लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट साला को हटा दो एक आध प्लेयर्स को हटा दो ही इज लाइक अप देयर इतना अच्छा है वो तो और मार्टिनेली भाई मार्टिनेली भी अच्छा लग रहा है दे हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स एक्चुअली बहुत सारी टीम्स है भी नहीं जो वाइड प्लेयर्स खिला रही है नेसेसरीली इट्स ये भी है बहुत टीम्स हैं जो क्रिसमस फॉर्मेशन खिलाती है ना ऐसे कहीं ना कहीं पिरामिड इन्वर्ट हो गया ना But I think Saka is somebody जो every top like every big club in the world obviously थोड़ा वो है कि I don't हाँ
कि वो रखना चाहेंगे ऑब्वियसली आर्सेनल, वो नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, पर ही इज समबडी जो हर एक बिग क्लब विल बी कीपिंग देयर आईज ऑन, क्योंकि द मोमेंट जो कि आई जाएगा ओवर अ लॉन्ग टाइम कि वो थोड़ा एंड प्रोडक्ट और बढ़ी जाएगा, उसको ऑलरेडी अच्छा है, इट विल इंक्रीज, वो दिखता है उसके गेम में, तो तब तो भाई मतलब तब तो क्लब्स पीछे बढ़ जाएंगे उसके, और भी प्लेयर्स इनके पास, लिवरपूल के अगेंस्ट बेन वाइट भाई साहब, वन ऑफ द क्लासिएस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन फ्रॉम अ सेंटर बैक, लाइक लेजिट क्लासिएस्ट, कोई फालतू के टैकल नहीं करने पड़ रहे, कोई गिरना नहीं पड़ रहा, एकदम खड़े होकर स्टेडी, बहुत अच्छी कूल परफॉर्मेंस, 10 मैन निकाल गए रिजल्ट, ऐसा लग रहा है आर्टेटा के पीछे हैं सारे प्लेयर्स, लाइक दे आर बिहाइंड हिम कहीं ना कहीं, जो चेल्सी में मैं कह सकता हूँ नहीं दिख रहा अभी, वो फील की करना है, पुश करना है एक आध प्लेयर्स में ऑब्वियसली, और क्या हुआ इस हफ्ते, एल क्लासिको, मैंने इस पे बात नहीं करी, आई डिडंट गिव एनी रिएक्शंस जब एल क्लासिको हुआ, पर मेरे को बाबा के थॉट्स पता है, चलो रिकैप, लाइक इफ यू हैड टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम व्हाट योर लाइक इनिशियल थॉट्स वर ऑन योर चैनल, इफ यू डू यू हैव एनीथिंग टू चेंज रिगार्डिंग एल क्लासिको, मतलब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ज्यादा गोल्स नहीं होंगे और मैड्रिड जीत जाएगी 1-0, ये प्रेडिक्ट किया था मैंने, भाई गजब, मतलब डेम्बेले इज अ प्लेयर, देखो अरे वो तो अनडाउटेडली, वो तो जितनी मर्जी गाली देनी है ना, हाँ, कितनी दे लो वो तो तुम डिनाय नहीं कर सकते, कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, I think Barca plays better without Frankie. Busquets, Gavi and Pedri is the way to go. अभी तो at least ही लग रहा है. Form की बात कर रही सब अगर. Controversial. I don't think controversial भी होगा अभी तो ना. मतलब मेरे हिसाब से नहीं है. हो सकता है Barca fans के हिसाब से हो. मतलब मेरा observation है ये. I am not saying that. I agree. Correct. I agree. Somehow. फ्रेंकी ना अपने आप को ओवरबर्डन कर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ही थिंक्स कि बॉल भी उसी को ही प्रोग्रेस करनी है, पीछे भी उसी को ही सिट बैक करना है, स्क्रीन भी उसी को ही करना है डिफेंस, वो पता है वो आई डोंट थिंक कि वो फ्रेंकी खुद से कर रहा है, जैसे हाँ। उसके अंदर कूमन के अंदर जो सीखा, जावी के अंदर जो उसके, वो इतने सारे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं इन सच अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि ही रियली डजंट नो कि हाउ टू act in a midfield, समझ रहे हो कि he has almost forgot कि how he acted in a midfield, तो और अच्छा ये भी करूँ मैं, रन भी बनाऊँ, आगे जाके हेडर में भी मार रहूँ, पीछे के भाई में भी, ये सब चीजें, बुस्केट्स, गावी और पेड्री, भाई जब पेड्री आया था एल क्लासिको फाइस कैसे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी बैलेंस्ड मिडफील्ड है ना भाई, इतनी बैलेंस्ड मिडफील्ड है ना, ठीक है देख बुस्केट्स, अब लोग बोलेंगे गलती थी बुस्केट्स की, पहले गोल में डिस्पोजेस हो गया, विनीशियस को बॉल मिली, लाइक एटलीस्ट इस स्क्वाड में आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड, लाइक इस स्क्वाड में ऑब्वियसली तुम कह सकते हो बुस्केट्स को रिप्लेस करना वगैरह फेयर इनफ, पर अभी जो स्क्वाड है, अभी जो प्लेयर्स हैं उसमें यू हैव कोई और वो है नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है, फिर यू कह सकते हो nobody does it better than Busquets in this squad, like I'm not saying ki Busquets koi abhi like blame se bahar hai, obviously nahi, par is squad mein nahi, us squad mein koi hai hi nahi aur jo wo khel sakta hai in my opinion, bilkul aur jab Pedri aaya tha jab el clasico mein second half match changed khatam, matlab he is different, aur ajeeb baat hai pata nahi, main kahi baar believe nahi kar pata ki kaise ho sakta hai, I didn't expect it to happen, उनकी मिडफील्ड में मॉडरिस, क्रूच, कैसेमिरो ये सब है, पेड्री कम्स इन एंड इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर द मोमेंट ही कम्स ऑन द पिच, जस्ट डिफरेंट भाई, और आई थिंक कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बारसा फैंस कुछ तो बहुत वो थे कि अच्छा बहुत अच्छा हो गया अभी से ही, सॉर्ट ऑफ की वी आर बैक जो कि हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग, थोड़ा प्रीमेच्योर है बुढ़ी से, थोड़ा अभी भी ना थोड़ा जल थोड़ा है तो थोड़ा जल्दी है, हाँ क्योंकि तो अभी भी डोंट नो, लीग लीडर्स के अगेंस्ट, चैंपियंस लीग फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस आई है आफ्टर सो मच टर्मोइल, तो देयर इज अ रीजन टू बी हैप्पी, बट रुको अभी थोड़ा सा,
मतलब यू डोंट नो हाउ दिस टीम विल परफॉर्म इन अ कंसिस्टेंट रन ऑफ फिक्स्चर्स. अच्छा खेलना एक बात अलग होती है, लीड्स अच्छा तो लीड्स भी खेलती है ना. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ इट. आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी कि यार हम अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं. अच्छी फुटबॉल के साथ साथ अब रिजल्ट्स भी चाहिए कहीं ना कहीं, और रिजल्ट्स आते हैं थोड़ी स्क्वाड की रोबस्टनेस से, थोड़ा सा मतलब जब एक क्या बोलूंगा उसको, सही वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी तो उसका वो है रिजल्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब वो करोगे तो कंसिस्टेंट हो जाएगा. मतलब एक स्क्वाड की केमिस्ट्री होती है ना स्क्वाड. हां केमिस्ट्री. ये आपने लाइक यू हैव पिक्ड अ वेरी गुड वर्ड. जो फर्स्ट हाफ था इट केमिस्ट्री like उसमें केमिस्ट्री नहीं थी भाई. मैं यही शिखर और मैं साथ देख रहे थे, हम यही कह रहे थे. जबकि मैड्रिड का ऐसा लग रहा था सब कुछ टेलीपैथिक है, लाइक डिडंट कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया एकदम, वन टू फॉर वन टच पासेस और ये सब चीजें. केमिस्ट्री दिस लैक, दिस टीम लैक केमिस्ट्री. ऑब्वियसली यंग है और इतने सारे प्लेयर साथ खेले भी नहीं, वो भी है, बट डेफिनेटली भाई केमिस्ट्री तो बिग तब, और केमिस्ट्री बिल्ड होने में टाइम लगेगा. तो आई थिंक यू आर सेइंग द राइट थिंग, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे एक दिन में, चार मैचेस में, पांच मैचेस में तो बिल्ड होगी नहीं. लाइक इट विल टेक मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इन ट्रेनिंग सेशंस, वो तो है. और भाई एक मेरे को एक और चीज कहनी थी एल क्लासिको के बारे में, रोनाल्ड अराउहो भाई सर, वो कुछ भी करता है भाई. लाइक ऑब्वियसली गोल खाए वो सब चीजें, बट ही इज द ओनली डिफेंडर इन दिस बैक लाइन. ऐसा एट टाइम्स दिस कि वो अकेला ही डिफेंड कर रहा है, उसे अकेले छोड़ रखा है. और आपको गैरी गैरी के हिल है यार. विनीसियस अटेम्प्टेड 8 ड्रिबल्स इन दिस मैच, ही कंप्लीटेड ओनली वन, दैट वाज अगेंस्ट डैनी अल्वेस. उसके बाद जब सेकंड हाफ में डैनी अल्वेस हटा गया था, अराउहो खेल रहा था अगेंस्ट टू वी, कितनी बार मेंडी और विनीसियस दोनों थे उसके पास, ही वाज डिफेंडिंग 2v1 फ्लॉलेसली, नो कोई प्रॉब्लम नहीं. It was like जो भी उसके पास आ रहा था वो ब्लैक होल में सक हो रहा था. लाइक दैट्स व्हाट आई मेक ऑफ हिम, लाइक क्रेजी गुड डिफेंडर. क्रेजी कहीं ना कहीं वो भी रह गया अंडररेटेड व्हेन ही स्टार्टेड. टोडीबो को सॉर्ट ऑफ क्लब ने वो जाने दिया, लाइक कि दे वरंट हैप्पी विद टोडीबो और दे केप्ट विद अराउहो, जो कि बी टीम से आ रहा था. बहुत सारे क्रिटिक्स लेके, फैंस वर लाइक मैड कि ये क्या हो रहा है, लाइक टू डिबो जा रहा है, ये कौन आ गया भाई, कहां से, इसे तो पासिंग नहीं आती, ये नहीं आता. एंड ही इज डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर. और कहीं ना कहीं जितनी वो बात आती, ही इज द मोस्ट लाइक, कहीं ना कहीं तुम बोलोगे मोस्ट नॉन बारसा, नॉन मासिया डीएनए या जो वो कहोगे डिफेंडर. पासिंग वगैरह में उतना वो ग्रेसफुल नहीं लगता, बट ही इज जस्ट ब्लैक होल की बस एक ब्लिप है वहां पे पिच पे, वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है, इस तरह की फील आ रही है. कंसिस्टेंट होना पड़ेगा उसको थोड़ा सा. वो तो ऑब्वियसली सीजन आई थिंक वो पहली बार इतने सारे गेम्स खेल रहा है, पिछले सीजन इंजरी वगैरह ये सब इशू. वही तो कह रहा हूं, गैरी गेल है वो. अगर अच्छा खेलेगा तो भाई ऐसा खेलेगा कि जॉन टेरी के बाद गैरी गेल ही है चेल्सी लेजेंड. और खराब होगा तो खराब तो लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, इस सीजन I can count Araujo's bad games in one hand. वो तो यार पूरी टीम भी खराब खेलती है. अब वो भी है, ऐसे जज करना भी मुश्किल है. डिफेंडर जज करना भी मुश्किल है, but Araujo is crazy good. और वो एक हाथ तो फुटवा के खेल रहा था, एक हाथ तो फूटा हुआ था. Crazy भाई. You're still Xavi out? नहीं, मैं तो कभी भी Xavi out नहीं था यार. मैं तो मजाक में लोगों ने सीरियसली लिया, एक वीडियो के डाल दी, लोगों ने लेजिट सोचने लगे कि आई एम Xavi out. आई थिंक कि भाई दिस इज गोइंग इन लाइक अनडिनाइबली द राइट डायरेक्शन. राइट डायरेक्शन तो है ही यार. देखो जो क्लब अपनी एक कल्चर और एक आइडेंटिटी और एक प्रिंसिपल पे बना होता है ना, उसको बहुत आसान होता है उस चीज को कैरी करना. हाँ, क्योंकि यू हैव पीपल हु हैव बीन ग्रूव्ड थ्रू दैट सिस्टम. Right. Xavi was the, क्या बोलू मैं, at the forefront of all of that. और I think पता है क्या, एक controversial चीज बोलू, why I like Xavi more now. क्योंकि he is not benching Luke Jong. The easiest thing would have been to go, मैं तो पेपू किसी को false nine खिला दूंगा, या ना, he doesn't care.
आई वॉन्ट अ बिग नंबर नाइन सेंटर बैक से नाक में दम करे, वो जो समझ रहे हो वो जो नंबर नाइन वाला वो होता है, नॉट नन ऑफ दिस लाइक अच्छा मेरे को एक ओ हो नंबर नाइन के साथ तो खेल ही नहीं सकते, फॉल्स नाइन ही चाहिए और वो अरे तुम्हारा वही चाहिए। प्रॉब्लम बताया क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा फैन बेस भी है, वन ऑफ मतलब आई एम बीइंग वेरी हार्श और बहुत सारे बार्सिलोना फैंस विल यू नो पुट मी पड़ाई पुट मी ऑन द नूस पुट मी ऑन द नूस और वो सब चीजें, बट दिस नीड्स टू बी हर्ड बाय मोस्ट ऑफ द बार्सिलोना फैंस आउट देयर कि बहुत आप रिएक्शनरी हो जाते हैं कभी कभी। मार्टिन ब्रैथवेट फॉर एग्जाम्पल इज नॉट अ दैट बैड अ प्लेयर जितना आपने उसको मीम बना बना के और उसको डिमीन कर करके उसकी ऐसी तैसी कर रखी है तुम लोगों ने। सेम विद लूक डी योंग, जब एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलता है एंड ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, भाई वो अगर उस लेवल पे खेल रहा है तो मतलब वो प्लेयर है, यू नीड टू गिव हिम टाइम देन ही डेवलप्स। आप टाइम ही नहीं देना चाह रहे हो, आप अभी तक चावी इनिएस्टा मेसी वाले एरा में जी रहे हो तो कैसे काम चलेगा। और आई थिंक इजी थिंग यही होती कि मेम्फिस से खिलाते रहता, वही हो रहा था ना तब। मोस्ट ऑफ द बार्सिलोना फैंस तैयार नहीं है मानने के लिए कि क्लब इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, मानने ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। वैसे टू बी ऑनेस्ट अब जब इतना वो यूरोपा हो गया, अब काफी चेंज हो गया, लाइक कहीं ना कहीं फिल्टर हो गया फैन बेस, पर प्लेयर्स की जजमेंट में तो मुझे अब भी लगता है कि बहुत, जैसा अब बुस्केट्स का बेकार गेम था एल क्लासिको में, ट्विटर पे ट्रेंडिंग था बुस्केट्स ला बंकीलो, लाइक बुस्केट्स टू द बेंच। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं मतलब ऐसे नहीं चलता, टाइम देना पड़ता है। और आप बताए सर, टू बी ऑनेस्ट अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि if this is like this is a team that is transitioning to becoming better, definitely if you are this team you will never sell De Jong, like in like if you are in your right mind you will never sell De Jong. But I think we will sell De Jong. Nahi bechna chahiye. अगर हमें वो सेंस आ जाए एंड वी ट्रूली रिप्लेस बुस्केट्स, लाइक इफ यू थिंक अच्छा चलो डी जोंग नहीं कर सकता, यू आर गेटिंग मनी ऑफ ऑफ हिम, बट इफ यू ट्रूली ब्रिंग समबडी, वो जो पैसे मिले उसके बाद, इफ यू ट्रूली गेट समबडी जो कि रिप्लेस करे बुस्केट्स को, देन तो इट्स ओके, देन इट्स फाइन इफ यू डू इट। पर अगर यू नहीं करते तो दिस इज अ सिंबॉलिक चीज होगी, लाइक इफ यू बिंड देम। तेरे को मेसी से पहले वाली बार्सिलोना याद है? 2000 से पहले वाली हां 7 तक 7 तक कहीं ना कहीं, मतलब रायकार्ड की लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट दो सीजन की। रोनाल्डिनो डेको एटो, रोनाल्डिनो डेको, वैन बोमेल, लेड मिल्सन, लुडविक जूली करके एक प्लेयर होता था। इस तरीके की टीम बनेगी अब तुम्हारे, मतलब जो जिसमें थोड़े से रोबस्ट प्लेयर होंगे, थोड़े से मैं कहूंगा मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स होंगे, और ऐसे सेटअप में लूक डी योंग जैसे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है जो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी दे। क्योंकि अभी तक तो क्या था, चावी इनिएस्टा मेसी का जो ये चला है ना, प्लेयर्स इनके अराउंड खेल जाते थे तुम्हें पता भी नहीं चलता था। ये 5 महीने तो नहीं जा रहा डी योंग, लाइक ये जो लास्ट के 5 महीने। अरे मैं डी योंग के उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो टीम कैसी बनेगी उस पर बात कर रहा हूँ। मैं डी योंग रहेगा नहीं रहेगा दैट विल नॉट मैटर, सही बता, लूक डी योंग की बात करूंगा। हाँ हाँ जो भी है, चाहे फ्रेंकी जाए चाहे लूक जाए, इट विल नॉट मैटर। What matters is कि एक pre-Messi वाली Barcelona identity बनेगी तुम्हारी, क्योंकि Messi generations में एक बार आता है, you are putting too much pressure on Ansu Fati, जो कि नहीं करना चाहिए। I think मतलब उसको number 10 jersey भी दे दी, और मतलब अब उससे expect कर रहे हैं कि वो बिल्कुल, मतलब इतना romanticism होता है ना football fans में कि भाई ये next मेसी है, ये वो है, जैसे आधे से ज्यादा चेल्सी फैंस लपलपा रहे हैं कि यार हजार्ड वापस आ जाए। अबे क्यों आ जाए ना भाई, ये तो ज्यादा ये तो
मैं रोमांटिसिज्म जो होता है ना बहुत गलत चीज होती है, और उसको अगर आपको हटा के एक अच्छी चीज करनी है ना तो सब मतलब आपको ताक पे रख के कुछ हार्श डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू डोंट हैव बुस्केट्स, मतलब यू डोंट हैव प्राइम बुस्केट्स नाउ, तो आप हालैंड लेने या नहीं, सीधी बात, सीधा मेन क्वेश्चन। हालैंड तो भाई मतलब डेफिनेटली लेना चाहिए बार्सिलोना को, अगर वो अपने फाइनेंसेस सॉर्ट कर लेते हैं और बैक लाइन भी रिवैम्प हो जाती है। और चलो अब लाइक अब लिजांड्रो मार्टिनेज लिंक्ड है, सूला लिंक्ड है, क्रिश्चियनसन वगैरह लेस लिंक लिंक तो देखो लिंक तो पर वो तो लाइक देखो आई टेन एक फांसावी मिगेल था या फिर आई डोंट रिमेंबर हुआन मार्टी था, सम ऑफ द मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट, दे हैव सेड कि एक नहीं दो डिफेंडर आएंगे एंड वन विल बी लाइक बिग डिफेंडर, दे हैव सेड दे आर या शायद हो सकता है क्योंकि वही एक जो बड़ा नाम है सॉर्ट ऑफ मार्केट में, बट दिस लाइक दिस इज व्हाट सॉर्ट ऑफ जो घूम रहे हैं अभी तक। प्लान तो है ऑब्वियसली है ही, लाइक मैं कहीं ना कहीं वो कह सकता हूँ लाइक कंफर्टेबल होके कि ये पागल वाली हरकत नहीं करेंगे कि बस मतलब समझ लो कि से एड्रेस ही नहीं किया, बैकलाइन को एड्रेस नहीं किया और बुस्केट्स की पोजीशन, ये तो मेरे को नहीं लग रहा। वो अब शायद लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं जा चुकी है वो घटिया प्लानिंग, अब थोड़े बेटर लोग हैं क्लब पे, तो उस सेंस में आई थिंक कि कंफर्ट है, दैट्स व्हाट आई विल से। और भाई रूडीगर ले, अगर रूडीगर आ जाएगा तो मजा आ जाएगी मुझे। साइन कर रहा है शायद एक्सटेंशन, अब तो लग रहा है वैसे ठीक रहेगा। ट्वीट भी कर दिया ना मैंने कि अगर वो साइन करेगा तो मैं ट्वर्क करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्विटर बाबा मूविंग लाइक एक एक भाई एक वो है भी ना कोई चेल्सी फैन, नाम भूल रहा हूँ, वो यही सब काम करती है, लाइक लिटरली यही काम करती है। एस्ट्रिड वेट शायद सब पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, एस्ट्रिड समथिंग कुछ नाम है, भूल रहा हूँ, बहुत फेमस है। बट एनीवेज भाई, और भाई सही रहा ये मतलब बार्सिलोना को तो मेरे को अच्छा ही लगा कहीं ना कहीं, उतना नहीं जितना मैं कहूंगा कि फैंस जितना उछल रहे थे उतना तो कुछ नहीं लगा मुझे, बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बी एजी बार्सिलोना फैन, ओ नहीं एल क्लासिको में तो भाई हार गए क्या फायदा, ऐसा भी नहीं होना चाहता, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज कि हम नाइन्थ थे लीग में, पता नहीं कितने पॉइंट्स पीछे हैं एंड स्टिल मैनेज टू कहीं ना कहीं गो टू 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 विच वॉज गुड। और ये कुछ और बढ़िया हुआ नहीं, I don't think अभी यूनाइटेड और विला का मैच चालू हो गया है, थिंक अभी बात कर रहे हैं जब बात, हाँ तो हो सकता है उसका अलग पॉडकास्ट है, एनीवेज कर दिया गोल यूनाइटेड ने ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रूनो फर्नांडिस के गोल के साथ अलविदा चाहेंगे, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। और वो वीडियो देखो भाई जो पिछली वीडियो है, दिमाग आएगा कुछ, यू लर्न थॉट एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं, बाय बाय।